सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार जैन, मैं विषय विशेषज्ञ पोषण संरक्षण के पद पर विद्या भवन कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हूँ। अभी आप देखेंगे सोयाबीन की फसल में गडर बीटल का आक्रमण शुरू हो गया है। गडर बीटल का आक्रमण आप देखेंगे मुख्य रूप से 30 से 45 दिन की फसल पर आक्रमण शुरू होता है। इसकी जो लार्वा होती है, जो लट होती है, वो पीले कलर की होती है और पैर विहीन होती है, और जो वयस्क होता है वो नारंगी रंग का होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जब आप उसको पौधे को, आप सोयाबीन के पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे तो जो नीचे, जहाँ पत्ती के नीचे वाला भाग और जहाँ तने के भाग है, यहाँ पे जो गडल बीटल का वयस्क जो होती है होता है वो दो दो कट लगाता है। और ये ध्यान रखें कि जो नीचे वाला कट है उसमें तीन छेद करता है और जो बीच में छेद है उसमें वो अंडे देता है। तो अंडे से जो सुंडी निकलती है वो सुंडी अंदर खाती रहती है और तने को खोखला कर देती है। और जो ऊपर वाला भाग है, आप खेत में देखेंगे ऊपर वाला भाग नीचे गिर जाता है। ये सबसे इस कीड़े की पहचान है। इसके नियंत्रण के लिए आप एमामेक्टिन बेंजेट को 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। क्लोरेंटिन निरिप्रोल को 8 से 10 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। और फ्लूबेंडामाइड को भी आप 10 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह दिए गए कीटनाशकों का सही समय पर और सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर आप गडर बीटल से निजात पा सकेंगे और सोयाबीन की फसल का उत्पादन बढ़ेगा और आमदनी किसान की बढ़ेगी।